अस्सलाम वालेकुम, आज मैंने एग पुडिंग बना रही हूँ और बहुत आसान और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। घर में मैंने 4 एग लिए हैं, 1 कप मैंने चीनी लिया है और आधा किलो मेरे पास मिल्क दूध है। इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी। उससे पहले मैंने ये चीनी मैंने ब्राउन किया है, 3 टेबल स्पून चीनी। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना, उसको हम बिल्कुल डार्क ब्राउन कर लेंगे। और मैं तवे में बनाऊंगी, मैंने तवा यहाँ गर्म कर रही हूँ, तवे पे बना रही हूँ मैं। ऑन हो गई ये डार्क, इसको हम इस पर लगा देंगे। आप 4 टेबल स्पून चीनी लीजिएगा और ये हमने इसमें सारा डाल दिया और इसको हम ठंडा कर लेंगे। और उसके बाद हम अब ये अंडा और दूध मिक्स कर देंगे। ये 4 एग हमने इसमें डाल दिया और ये चीनी मैंने मतलब 1 कप से ज़रा कम है। और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आपके पास एग बेटर नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप हाथ से भी कर लें। ये मैं इसलिए आपको सारी चीज़ें बताती हूँ आसान, ताकि आप आसानी से फौरन कर लें आप घर में तैयार। बहुत से लोगों के पास एग बेटर नहीं है, इस तरह ही कर लें, कांटे से भी आप कर सकते हैं। दूध सारा आस्ते आस्ते शामिल कर लेंगे, चीनी अंडा दूध। अब हम इसको अच्छी तरह कर लेंगे, फेंट लेंगे हाथ के साथ। मैं इसको एग बीटर से भी कर सकते थे, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैं पहले भी बोल चुकी थी आप लोगों को। ये देखें, ये पूरा जम चुका है अच्छी तरह, जो हमने चीनी ब्राउन करके इसमें डाला था। और इसमें हम सब चीज़ें मिक्स कर देंगे। नीचे चीनी है तो उसको भी हिला के इस तरह डाल देंगे। और हम थोड़ा गर्म हो चुके हैं, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और ये मैं 25 मिनट के लिए रखूंगी और ये बहुत अच्छा जम जाएगा। और उसमें ढक्कन कर दूंगी ऊपर। 25 मिनट के लिए आप इस तरह हल्की आंच करके छोड़ दें। हल्की आंच दिखा, बिल्कुल हल्की आंच में, क्योंकि हमने तवा पहले गर्म कर चुके थे, पानी भी डाल दिया, पानी भी गर्म हो गया। और इसको हमने 25 से 30 मिनट के लिए हम इसी तरह रखेंगे और हम 20 मिनट के बाद इसको देखेंगे जम जाएगा तो हम इसको बंद करेंगे। हमारा तैयार हो चुका है और इसको हम इस तरह जैसा हम केक बनाते हैं ना, केक को चेक करते इसी तरह हम इसको चेक करेंगे। ये देखें बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको ठंडा करने के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। अब ये तैयार हो चुका है, इसको देखने के लिए हम इसे कांटा या छुरी से देखेंगे। बिल्कुल जम चुका है बिल्कुल अच्छी तरह। और इसको हम अभी डी फ्रीज में रख देंगे, ठंडा हो जाएगा फिर। मैं तैयार है, हमने इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, डी फ्रीज में रख दिया था। अब हमने एक डिश अच्छी सी ली है, इसमें हम करके इसको रखेंगे और इसको ये पलटा देंगे। ये देखें हमारे बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है हमारे पुडिंग। और देखें बहुत आसान तरीके से तैयार हो गया है। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।